है तो कोविड प्रिकॉशन डोज फ्री करने की मांग मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार से ये मांग की है। आपको जानकारी दे दें, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 60 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए ही प्रिकॉशन डोज निशुल्क की है, इसीलिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में 10% लोगों ने भी प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई। भारत सरकार को 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के प्रिकॉशन डोज निःशुल्क करनी चाहिए और इससे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवानी भी चाहिए। कोविड इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए आवश्यक है कि सभी को वैक्सीन लगे। देश भर में पिछले दिनों में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं, इसकी एक वजह है समय पर प्रिकॉशन यानी कि बूस्टर डोज नहीं लगवाना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील की है। उन्होंने इस अपील के तहत कहा है कि भारत सरकार ने चूंकि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए ही प्रिकॉशन डोज को निःशुल्क किया है, इसलिए अब चाहिए भारत सरकार को, केंद्र सरकार को कि 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए भी 10% लोगों ने भी अब तक चूंकि प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई है उनके लिए भी इस डोज को मुक्त किया जाए। भारत सरकार को 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रिकॉशन डोज निःशुल्क करनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रिकॉशन डोज लगवाए। कोविड इन्फेक्शन की चेन है, इसको तोड़ने के लिए आवश्यक है क्योंकि देखिए बीते दिनों कोरोना के मामले देश भर से सामने जो आए हैं वो अब कहीं ना कहीं चिंताजनक हालात बन रहे हैं। 1 लाख के पार फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या देश भर से। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुकी कोरोना की स्थिति को लेकर लगातार मॉनिटरिंग खुद करते रहते हैं। कोरोना प्रबंधन भी हमने राजस्थान सरकार का देखा, एक बेहतरीन प्रबंधन राजस्थान सरकार ने कोरोना के दोनों फेजेज दिया और अब प्रिकॉशन डोज को फ्री करने की मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से की। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आया है और इसकी वजह है समय से बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाना। सभी को ऐसे में चाहिए कि बूस्टर डोज को समय से लगवाएं और समय पर लगवाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे निःशुल्क केंद्र सरकार कर दे जिससे सभी लोग इसे अफोर्ड कर पाए, इसे लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित कर पाएं।